7 more ranks. Thank you, sir. मुझे छोड़ दो टीम से वैसे इंडस्ट्री ऑल्सो सब ने अपनी विशेष दी है, अमित जी से, सलमान, करण, एकता सब ने दी है, तो बहुत खुशी हो रही है और प्रेशर पड़ गया अभी कि इनकी जो विशेष है उस पर खरा उतरना है हमने, बट रिएक्शन बहुत ही अच्छा है। देखिए कोई ऐसा महीना या हफ्ता आने वाला नहीं है कि जिसमें आपके साथ कोई और फिल्म ना आए। अभी तो आप शुगर कर लीजिए कि हमने एक हफ्ता डिले नहीं किया, एक तो एक तरह से पैडमैन मारता, दूसरे से पद्मावत मारता, तो कोई थिएटर नहीं मिलने वाला था हमारे को। तो हम खुश हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हमने जो फिल्म बनाई है वो अच्छी फिल्म बनाई है, अपने मनपसंद की फिल्म बनाई है। और जो लोग हमेशा ख्वाहिश करते हैं कि आप लोग ही पूछते हैं कि इसमें नया क्या है, हमने नई फिल्म बनाई है और आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट वी हैव डन। और मुझे 100% कॉन्फिडेंस है कि जो ऑडियंस है, जो युवा लोग हैं स्पेशली, दे विल रियली एंजॉय द फिल्म। तो प्रेशर किसी बात का नहीं है, अपना 100% मेहनत से फिल्म बनाई। यार अमित जी का जहाँ तक कहना है, जब मैंने उनका ट्वीट पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं उनका फ़ैन हूँ, जो भी है बागबान में उनके साथ काम करने का मौका मिला, मेरे सारे सीन उनके साथ थे, वो मेरे फादर का रोल कर रहे थे। हमेशा जब उनके घर में दिवाली की पार्टी होती है वो बुलाते हैं मुझे, और उनका बड़प्पन है यार, वैसा इंसान रोज़ रोज़ नहीं आता यार। और सलमान तो जानते हैं, उनका गोल्डन हार्ट है, वो किसी का भला करना चाहें अगर कर सकते हैं तो ज़रूर करेंगे। तो मुझे दिवाली पार्टी में मिले थे, उन्होंने कहा था सलमान क्या चल रहा है, मैंने कहा बॉस एक फिल्म बना रहा हूँ मैं, तो क्या कभी नहीं चाहिए, अच्छा भेजना मुझे लिंक, मैं ट्वीट करूँगा। इससे बड़ापन क्या हो सकता है यार। करण जौहर ने हमारा जो पोस्टर था वो लॉन्च किया, सलमान ने हमारा ट्रेलर लॉन्च किया, तो अब इससे ज़्यादा इंसान क्या मांग सकता। बाकी अब ऑडियंस पे है कि अगर आप इनका भरोसा करते हैं कि नहीं करते हैं तो पता लग जाएगा। हाँ बिल्कुल सच है, मेरे को डायरेक्शन करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने एक सिर्फ एक कहानी लिखी थी और सब तारीफ कर रहे थे उस कहानी की, तो मैंने सोचा मैं इंडस्ट्री के गुरु जो काफ़ी सीनियर हैं उनसे बात करूं। तो मैंने करण को ये कहानी सुनाई और वो पहले इंसान थे जिन्होंने उस कहानी सुनते ही बोला समीर तुम्हें ये फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए, तो वो कीड़ा उन्होंने डाला। फिर मैं सोचने लगा कि अगर मैं कभी ज़िंदगी में फिल्म डायरेक्ट करूँगा तो इसी कहानी को करना चाहूँगा क्योंकि मैंने खुद लिखी है। तो वहाँ से संजय सूरी से मुलाकात हुई, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, उनसे मैंने पूछा, क्योंकि मुझे वो मुझसे झूठ नहीं बोलते हैं, साफ बताएंगे कि यार तेरे बस की बात नहीं है मत कर। उन्होंने खुद बोला समीर डायरेक्ट कर। मैंने पूछा आप एक्टिंग करेंगे, कहते हाँ, तो बस। और हम दोनों ने मिलकर प्रोड्यूस भी कर दी फिल्म, क्योंकि हमें डर था और प्रोड्यूसर ऊपर आएंगे तो कोई बोलेगा एक आइटम सॉन्ग डाल दो, एक एक्शन सीक्वेंस डाल दो, एक ये कर दो, एक ये कर दो। हमने कहा यार हम जैसी फिल्म बनाना चाहते हैं वैसी बनाएंगे, अब बाकी जनता जैसे। अच्छी शुरुआत है। हाँ करना नीलम जी, मैम सामने, नीलम जी राइट में, मैम मैडम नीलम जी, नीलम
नीलम जी राइट में, नीलम जी राइट में, नीलम मैम राइट साइड में, मैम बोथ ऑफ यू राइट, वहां से शुरू करते हैं, ठीक है। हां आ जाओ, आप सेंटर सेंटर मैम, थैंक यू, ना राइट साइड, थैंक यू। चलो मेरा गांव चले जाऊंगा, फोटोशॉप वाले को भी मेहनत करना पड़ेगा, उसको हटाना पड़ेगा। सर इधर थोड़ा टल मैम, क्या सेंटर सर, सेंटर बोला सर, सर राइट देखिए। अच्छा तो बहुत लगा जब पोस्टर भी लॉन्च हुआ और ट्रेलर भी, और बहुत बहुत बड़े बड़े लोगों ने सपोर्ट किया, एक बहुत ही अच्छा मतलब एक स्वीट जेस्चर है उनकी तरफ से, उन्होंने ट्वीट किया ट्रेलर पोस्टर, सो उनका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर हूँ, हमारे पास वो जरिए नहीं होते दूर दूर तक पहुँचने के लिए, लेकिन उन्होंने सपोर्ट किया, ट्रेलर उन्हें अच्छा लगा, सो वेरी वेरी ग्रेटफुल। और दूसरा, ट्रेलर लोगों को पसंद आया है, जेन्युइनली पसंद आया है। मैं नंबर गेम में कभी रहा नहीं हूँ, और मुझे भी पता है आजकल फिल्में लॉन्च होती हैं तो आधे दिन में ही 5 मिलियन 10 मिलियन क्लिक्स खरीदे जा सकते हैं, मैं नहीं कहता सब खरीदते हैं, मगर एक एल्गोरिथम जैसे काम की जाती है। अब अगर आप ऑस्कर विनिंग फिल्म्स लेंगे ना, तो उनकी लाइफ टाइम अर्निंग, लाइफ टाइम व्यूज़ होते हैं 1 मिलियन 1.5, और यहाँ लॉन्च होते ही 10 मिलियन। तो ये जो नंबर तादाद की गेम है, उसमें मैं कभी ना घुसा हूँ ना घुसूँगा। जिस दिन अगर मोर नेशनल बर्ड नहीं रहेगा तो उस दिन मैं फिक्र करूँगा। समीर मेरा बहुत करीबी दोस्त है, हमने एक साथ एक्टिंग भी की है, और ये जब स्क्रिप्ट उसने मुझे सुनाई तो मेरा बहुत विजुअल उसकी नरेशन थी, तुरंत तो उसके ख़त्म होते ही मैंने उससे एक सवाल किया, कि मैंने कहा ये सवाल नहीं, मैंने बोला कि तुम्हें डायरेक्ट करनी चाहिए। उसने जवाब नहीं दिया और उसने मुझसे पूछा तू एक्ट करेगा, मैंने कहा ज़रूर, वुड लव टू एक्ट। और फिर एक दूसरे की तरफ हमने देखा, हमने कहा चलो खुद ही प्रोड्यूस करते हैं, और वहाँ से इसका सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन पास मैं ले लेता हूँ, आइए सवाल ही कर रहा था, तो कैसा वो जैसे कि देखिए, मैंने एक अभिनेता की हैसियत से और निर्माता की हैसियत से बहुत सारे नए डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। आप सुजॉय घोष नए थे, मेघा गुलजार नहीं थी, ओनिर नया था, सुभाष कपूर नए थे, इन सब की फर्स्ट फिल्म, डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी नए थे, मुझे नए फर्स्ट टाइमर्स के साथ काम करने में मज़ा भी आता है। और ये माय बर्थडे सॉन्ग जो फिल्म है, जो समीर लेखक भी है इस फिल्म का, तो इसने लिखी थी, उसके जहन में बहुत बहुत क्लैरिटी के साथ ये कहानी थी,
और मुझे लगा अगर इसको मैं एक एक माहौल दूँ वहाँ पे ये बिल्कुल फ्लरिश करेगा, और वही हुआ। उसने बहुत बहुत आराम से डायरेक्शन की। मुझे कहीं लगा इनिशियली एक थॉट आया था कि कहीं एक्टर डायरेक्टर कहीं एक्टिंग करना ना सिखाए, ये डर रहता है एक्टर्स को, लेकिन वो खुद भी एक बहुत सेंसिबल एक्टर है और वो एक्टर का प्रोसेस समझता है। तो उसने दूर से ही मुझे एक पैसा ऊपर दो पैसा नीचे वैसे माइक पे उसको डायरेक्शन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और अब फिल्म रिलीज पर है, अब दर्शक देखेंगे उन्हें कैसी लगी, लेकिन मेरे हिसाब से समीर बहुत ही नेचुरली डायरेक्शन की तरफ उसने ये दिशा ली है। थैंक यू सो मच। आइडल सॉन्ग आपने सुना है? पता नहीं सो लो भैया, इनका ले लो, हमारे स्टार रॉक स्टार हैं ये, फ्यूचर रॉक स्टार है कंट्री के, गाया भी है और कंपोज भी किया, राजीव राजीव वी भल्ला। अब देख तेरे सामने माइक खड़े करते हैं बात कर। नो नो नो, यू 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 बी हियर। सो एज यू नो इट्स माय बर्थडे सॉन्ग, मैं ये हक से बोल सकता हूँ दैट इट्स माय बर्थडे सॉन्ग, यू नो। एंड वी हैड अ ग्रेट टाइम, एज यू नो समीर इज़ वेरी पैशनेट विद म्यूजिक, यू नो, तो बड़ा मजा आया साथ में काम करके, एंड इट वॉज एन एक्सपीरियंस इन इट सेल्फ, यू नो, इट्स अ रॉक सॉन्ग एंड एक लाइन गा रहे हाँ ये तो बनता है। क्या सिला हमको मिला था मैं क्या, क्या हूँ बना जो हुआ, क्यों था लिखा हमसे रूठा खुद ही खुदा, ये मेरी कहानी, इट्स माय बर्थडे सॉन्ग। वेरी गुड, थैंक यू, प्लेजर, लवली लवली। आ जा जा, हाउ आर यू? सर राइट राइट, सर लेफ्ट में, सर लेफ्ट में, सर 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 लेफ्ट में, सर अभी सेंटर, संगीता जी या सेंटर प्लीज, मैम लेफ्ट साइड में, संगीता लाओ तुम्हारा मस्त मजा आ जाएगा, मैम लेफ्ट साइड प्लीज, लेफ्ट साइड, संगीता जी संगीता मैम राइट, मैम राइट, थैंक यू। तो क्या लेफ्ट साइड है? या 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 लेफ्ट साइड प्लीज, या नाउ सेंटर सेंटर प्लीज, या मैडम जी इसको ले लीजिए, मैम लुक एट सेंटर, या सेंटर मैम सेंटर, या लेफ्ट 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 मैम सेंटर सेंटर मैम, या राइट, या बहुत साले मैम रुके रहते हैं, थोड़ा आगे मैम, थोड़ा आगे गेट आओ मैम, राइट में लुक एट सेंटर वाले, या 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 मैम, या लेफ्ट साइड, जाने दो जाने दो जाने दो, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच गाइस, चलो इस पे कितना लगा था, रियली मैन, आई नीड इट, थैंक यू, नीलम जी, थैंक यू, अरे सवाल गाइस, मेरी लवली, ये तो घर से 7.5 से निकल गया, हां तू बोल ना, मैं जो भी नाम है बोल ना, तू मैम लेफ्ट साइड प्लीज, मैम लेफ्ट लेफ्ट लेफ्ट, मैम लेफ्ट प्लीज, मैम लेफ्ट साइड, मैम सेंटर, मैम मैम लेफ्ट में आपके एकदम, मैम सेंटर, मैम सामने देखिए, मैम लेफ्ट में एक बार, थैंक यू, ये पुराना फोटो है, मतलब 3-4 दिन पहले का फोटो है, नहीं नहीं आज का नहीं।
You're home right now. Friends of mine. Sorry. We are screaming for my birthday song. अच्छा लगता ना क्या थोड़ा सा फिल्म लाइक डिफरेंट जॉनर की और ट्रेलर डिफरेंट जॉनर का है तो मज़ा अब से शुरू आने लगा है क्या क्या कैसी फिल्म होगी. पर देखिए ये दोनों जो दोस्त है सैम और संजय दे हैव बीन फ्रेंड्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम. उन्होंने कुछ फिल्मों में बहुत अच्छा काम किया हुआ है एंड सो आई थिंक वी ऑल एक्सपेक्ट समथिंग वेरी नाइस फ्रॉम देम. मैं समीर को एक सिर्फ एक्टर के नहीं एक दोस्त की हैसियत से भी जानता हूँ और जब हम मिलते भी थे जिम में या कहाँ सोशली हम ज़्यादा इसके बारे में बात करते थे दैट अगर वो फिल्म बनाएगा तो कैसी बनाएगा और उसकी क्या सोच है. सो आई जस्ट विश हिम ऑल द बेस्ट दैट एक उनका जो सपना था वो आज ड्रीम बन गया है. एंड आई जेन्युइनली फील मैंने अभी तक फिल्म देखी नहीं है बट आई जेन्युइनली फील दैट ही मेक अ वेरी सेंसिबल फिल्म. फॉर मी जहाँ भी टिकट मिल जाए जहाँ भी टिकट मिल जाए मतलब मैं संजय का भी फैन हूँ और बिग फैन ऑफ बाल्किज एंड अक्षय सर एंड दे बोथ सीम वेरी इंटरेस्टिंग मूवीज. एक जो मैमोथ फिल्म है जो जिसका बहुत मेहनत से इंतजार है वो आ रही है तो एक इंट्रीक लेवल उसमें भी है. And then there is this the kind of social films that Akshay has been doing. This is very interesting. So yes, and I hope they both are looking good. Dono achhi lag rahi hai. Aur hamari industry ko zarurat hai ki dono genre ki filmein chale. So I just hope that both the films do well and the industry blossoms again. And Advaiz Bhai movie also coming here. So excited for that. I think Advaiz Bhai is more excited than I am. Thanks, man. Thank you. Thanks. Yeah, that's the same one. I need to meet Neelam definitely, right? How are you, buddy? Good, good, good. Good. I thought it was reverse. तो मैंने ट्रेलर काफ़ी अरसे पहले ही देख लिया था. सुपर ट्रेलर है. म्यूजिक भी आउटस्टैंडिंग है. फोटोग्राफी परफॉर्मेंस आई थिंक दिस इज संजूज बेस्ट परफॉर्मेंस टिल डेट. और क्या कहें ट्रेलर को देख के लग रहा है कि फिल्म तो कमाल होगी. आप ये मानोगे नहीं लेकिन 10-12 साल पहले मैंने समीर को कहा था या उससे भी ज़्यादा जब हम लोग साथ में एक्टिंग करते थे कि यू विल वन डे मेक अ वेरी फाइन डायरेक्टर. ही सेड आई डोंट हैव द पेशेंस आई कांट हैव सो मच ऑफ हेडेक इतना कौन सोचेगा. एंड आई टोल्ड हिम दैट यू विल मेक इट बिकॉज ही इज अ वेरी वेरी वेल रेड थरो एफिशिएंट प्रिसाइज काइंड ऑफ ह्यूमन बीइंग हैविंग नोन हिम नाउ फॉर बेटर पार्ट ऑफ 20 इयर्स. आई थिंक ही विल मेक अ फैंटास्टिक डायरेक्टर. और ये स्क्रिप्ट उसने खुद लिखी है. 3-4 साल तो उसने स्क्रिप्ट लिखने में लगा दिए और फिर ये फिल्म बनाई है. मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छी फिल्म बनाई होगी. और जो ट्रेलर से समझ में आ रहा है इट्स बी अ वेरी ग्रिपिंग एंगेजिंग थ्रिलर व्हिच द फिल्म शुड बी. ऑल द बेस्ट. थैंक यू जंकी सर. सर ऐसे अच्छा नहीं लगते सर कुछ तो बोलो. This song. अरे मैं पिक्चर देख के आऊँगा फिर बोलूँगा. अच्छा मैं साहू में हूँ. I'm a joke, of course. Okay.
नहीं 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 अभी अभी शूट चालू है उसकी और हाउसफुल 4 तो शुरू होने वाली है अगस्त में पर वो आएगी नहीं इस साल अगले साल आएगी बहुत बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड हूँ और बहुत ही डाउन टू अर्थ इंसान है बहुत ही आई मीन बाहुबली इतनी बड़ी इमेज है उनकी लेकिन बहुत ही सही बंदे हैं going like this at the same time as if I'm actually falling, but yeah, hota hai kabhi.
Okay, other than this, any upcoming project you'd like to share? Well, I mean, recently my music video Naa released, which just hit 100 million views today. And you guys have showed so much love and support, and everywhere I go I hear the song, so I'm very, very happy and thankful. Right now this is happening. We have some things coming up, web series and stuff, but soon I'll let you know. Congratulations. Well, save that for after you've seen the film. Yeah. You might be kind of saying, sorry for me. Good try, but you know, I'm sorry. You guys want to eat something? Ria. Aage chal, take a bath. जरा छोटे एक इधर ये ग्रुप में जरा फोटो रापर तब इधर है ना हाँ ये मैडम जी इधर ही सोलो कर लेते हैं नहीं अच्छा थोड़ा सा इधर है ना टेबल है ना मैम यार लेफ्ट साइड इधर सामने है यो थैंक यू उधर जाऊं अरे यार तो तू बोलेगा लेफ्ट जाओ कि राइट जाओ All the best. Maybe. Sorry. भाई मैं आया हूँ समीर को विश करने के लिए और समीर इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन and Sameer's first film, so we all are very excited and what the trailer I've seen, the picture looks amazing and it's really, really going to do well at the box office and we will have a very young, dynamic director. We always knew Sameer can act, now we'll know that he can direct too. देखो क्या है नीलम एंड समीर आई बीन एवरीबडीज फ्रेंड्स फॉर सो लॉन्ग सो दे हैव अ ग्रेट गुड विल और वेरी नाइस फॉर एवरीबडी टू सपोर्ट देम एंड फाइनली फ्राइडे द पिक्चर विल रिलीज एंड व्हाट पीपल आर सीइंग देयर इज ईगरनेस एंड एवरीबडी इज लाइकिंग द ट्रेलर एंड आई एम श्योर एवरीबडी लव द फिल्म एंड संजय सूरी हु इज द एक्टर इन द फिल्म ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर सो आई एम श्योर द पिक्चर विल बी वेरी गुड अगर ये पिक्चर देखने के बाद मैं ज़्यादा बात कर सकता हूँ अभी मैंने देखी नहीं अरे ट्रेलर देखा है तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल सकता नहीं मैं इस वक्त मैं दिल संभल जा रहा कि नहीं आया हूँ बट थैंक यू वेरी मच यस द शो इज़ बीन अप्रिशिएटेड एंड सो इज़ ऑल द कैरेक्टर्स एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम ग्लैड एंड आई वांट टू थैंक एवरीबडी फॉर लविंग मी एंड लविंग द शो नहीं अपॉर्चुनिटी तो मिलती है हमेशा बट यू हैव टू गेट द राइट सब्जेक्ट और आपको कीननेस होनी चाहिए जब वो वक्त आएगा तो मैं ज़रूर करूँगा इस वक्त आप बिजी इन एक्टिंग एंड प्रोडक्शन जब वक्त आएगा तो वो भी करूँगा मैं ओके गला बहुत ख़राब है आवाज़ ज़्यादा निकल नहीं रही है लेकिन
बहुत एक्साइटेड इसलिए हूँ क्योंकि ट्रेलर बहुत अलग लग रहा था। हाँ, ये बात तो है ही कि समीर बहुत अच्छा दोस्त है, नीलम बहुत अच्छी दोस्त है, और उनको विश करने में आई हूँ, और मैं चाहती हूँ कि उनके लिए ये फिल्म बहुत सक्सेसफुल हो। लेकिन उससे भी ज़्यादा मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रेलर देखने के बाद, उसका गाना सुनने के बाद मज़ा आया कि ये क्या है, कुछ थ्रिलर है, सस्पेंस है, तो एक वो यू नो क्यूरियोसिटी है कि हो क्या रहा है यहाँ पे। और मुझे लगता है कि आजकल के ज़माने में ये जो यंग फिल्में हैं, नई फिल्में हैं, अलग किस्म की कहानियाँ हैं, वो बहुत एक बनाने का स्कोप मिल रहा है। एंड आई थिंक समीर हैज़ डन अ फैंटास्टिक जॉब जो ट्रेलर में दिख रहा है, सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी। जी, वेल यू नो वो है बहुत प्यारे, इसलिए उनको प्यार मिलना बिल्कुल बिल्कुल जायज़ है। बट आई थिंक प्यार कितना भी लोग करें, लेकिन जो ट्रेलर बाहर आया है वो बहुत एक्साइटिंग लग रहा है, और मुझे लगता है कि उसकी वजह से प्यार और भी ज़्यादा मिल रहा है। थैंक यू। First official screening where we've called our very dear close friends, and so it's nerve-wracking. It's his first, you know, first film that he's directed, so it's a big day for him. In fact, I'm so touched. The kind of support jo mili hai, industry, you know, the whole industry has come together and really supported us. And I think for a film like this, which is a small film, so we need all the support and love. Okay. Many films are made in the Hollywood industry, but good content in a movie are very rare. And one of these movies is this movie. So what do you like to say about it? Because many people have said it. I think the industry is ready for different content. And movies like this hopefully will do well, and this will start a new genre, a new trend. So, fingers crossed. Okay, so in future we will see you acting. Me? Yeah. Because many audience have wanted to see you. If Samir signs me, then yes, I'll do it. We have to ask you. Thank you, thank you.